आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अभी मैं फिलहाल रास्ते में हूँ, मेरे संग मेरा एक भाई है जो कैमरा उनके हाथ में है। तो दोस्तों मैं उस जगह में आ पहुंचा हूं, जिस जगह के बारे में आपको बोल रहा था थोड़ा देर पहले, जब मैंने घर से अपना बाइक स्टार्ट किया था। तो ये जगह हमारा घर से करीब 1 किलोमीटर अंदर ही है। तो मैंने आप लोगों को वादा किया था, जिस तरीके से वादा किया था, गांव का कुछ ना कुछ ब्लॉग बना के आप लोगों को भेजते रहूँगा, ये मैंने वादा किया था, आश्वासन दिया था आप लोगों को। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी एक दृश्य दिखाने वाला हूँ आपको जो काफ़ी सालों से यहाँ पे है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जरूर देखें उसको एक बार, उसके बाद आगे की बातें मैं करता रहूँगा आपसे। धन्यवाद। प्रकृति का विरल जीव है, और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि यहाँ के गांव वासियों ने काफी सालों से इसको संरक्षण करके रखे हुए हैं, और शिकारियों से, नाना प्रकार के शिकारियों से बचाते भी आ रहे हैं। तो पहले क्रेडिट तो इस गांव वासियों को जाना चाहिए, मैं कहता हूँ। सभी गांव वासियों को मेरा तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों यही है वो पेड़ जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रहा था, ये वाला जो है आपका बरगद का पेड़ है, और सामने में पीपल का पेड़ है। और मान्यता के अनुसार यहाँ पे एक हमारे धर्म के अनुसार दोनों पेड़ों का शादी भी किया गया है यहाँ पे, और तब से चमगादड़ भी है, और यहाँ पे सालों में पूजा अर्चना की जाती है, हर एक साल में पूजा अर्चना की जाती है। तो एक भाई है, भाई से भी मैं जरूर मुलाकात करूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद। यहाँ पे मंदिर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे मंदिर बनेगा तो यहाँ पे लोग देखने के लिए आएंगे, ये चमगादड़ भी देखेंगे, और इन लोगों का भी यही कहना है यहाँ पे मंदिर बहुत जरूरी है। असम सरकार तथा हमारे वन मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य जी तथा हमारा एमपी महोदय पल्लव लोचन दास जी तथा हमारा यहाँ के जो हमारा समष्टि के माननीय कृष्ण कमल ताती जी, सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि वो भी अगर इसके लिए कुछ फैसिलिटीज है तो कृपया यहाँ पे भी दे। 1920 सन से ये स्थापित हुआ था, कि ये एक यहाँ के गांव के एक निवासी ने इस पेड़ को लगाया था। दोस्तों हमारे अंकल जी बोल रहे हैं कि ये जो पीछे का पेड़ है ये करीब 1920 के करीब में लगाया गया था, काफ़ी 100 साल से ऊपर हो चुका है। यही करीब और छोटा ब्लॉगर हूँ, तो मेरा बातों से किसी को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो पता नहीं है। बस जो मेरा मकसद था कि गांव का वीडियो आप लोगों को भेजने का काम था। हर दिन हर रोज़ मैं कोशिश करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो खुद का साइकिल भी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करके आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। और दोस्तों मुझे और एक बात बताऊँ कि पिछले ब्लॉग में काफ़ी सारा भाई लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, भाई बहन लोगों ने सपोर्ट किया है, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, धन्यवाद उसके लिए। और इस भाई को आप लोग आगे तक लेके जाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ। इसी तरीके का दृश्य मेरा
आप लोगों के सामने कोशिश करते रहूँगा भेजने के लिए, और धन्यवाद उसके लिए।